अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम रूहान के दादा को लेने जा रहे हैं। उनकी फ़्लाइट पहले कैंसिल हो गई थी। रूहान दादा की फ़्लाइट लेट हो गई है। पहले उन्होंने शाम को आना था, अब वो रात को लेट आएंगे। बस ना ले, उन्होंने कैंसिल कर दिया फ़्लाइट, लेट कर दिया। पता नहीं अब क्या होगा। तो आना तो है ना, उन्होंने थोड़ी सी लेट आएंगी बस। मुझे थोड़ी शाम ज्यादा हो जाएगी तब आएगी। बस आप ऐसे बिजी में आते कि दादू रोएगी कि मैं लेट हो गई। नहीं ना, पहले दादू ने आना था 5 o'clock, 5 बजे। अब दादू आएंगी 3 o'clock सुबह। सुबह इतनी जल्दी? बाबा आएंगे ऑफिस से, फिर हम आराम करेंगे, थोड़ी नीनी करेंगे और फिर दादू को लेने जाएंगे। और ये हम जा रहे हैं सुबह सुबह। तकरीबन 3 बजे का टाइम था जब हम उनको लेने जा रहे थे, क्योंकि उनकी फ़्लाइट लैंड होनी थी 4:30 पे, तो इसलिए सुबह हमें जल्दी जल्दी घर से निकलना पड़ा। मैंने तकरीबन 4:30 की फ़्लाइट थी, लेकिन बाहर आते आते उनको 7 बज गए, तो बच्चे खूब टाइम कर रहे थे, थकते थे, वेट करते करते इनकी घर में पूरी नहीं हुई थी 3 बजे घर से निकले हुए थे। तो ख्याल में तो मैं बहुत टाइम किया रूहान पे साथ ही साथ आते समझने के लिए। बस 7 बजे वो आई हैं बाहर लगेज वगैरह लेके, और फिर फाइनली हम घर की तरफ रवाना हुए। सुबह हो गई थी, घर से 3 बजे के निकले हुए थे हम, तकरीबन 9 बजे हम घर पहुँचे, आप भी नहीं सो सके। सारा दिन वीकेंड तो हमारा एयरपोर्ट के चक्कर में चला गया। फिर हम शाम को पार्क ले गए थे मामा को, वहाँ बच्चों ने खूब इंजॉय किया, उनकी दादों ने भी खूब इंजॉय किया। आपको कैसे लग रही है? ये ऊपर से आती नीचे आए बताऊंगा क्या चलती है। यहाँ पे साथ बता रहे हैं मामा को कि स्लाइड पे जब बच्चे नीचे आते हैं ना, तो उनको टच करने से करंट लगता है, तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए गई हैं कि वाकई लगता है। पता चला है? कुछ पता? कुछ पता नहीं क्या है, चक्कर है स्लाइड बस। फिर हम मगरिब तक हम पार्क में रहे, हमने इंजॉय किया, और फिर हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। यहाँ पे सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
टेक केयर, बाय।